अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी बेटे, हमारा एसयू कोर्स चल रहा था जिसमें आज जो है वो क्लास 19 है, और क्लास 19 का टॉपिक है जी राइट हेडिंग टैग फॉर वेबसाइट्स, यानी कि हम अपनी वेबसाइट में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं तो उसका हेडिंग टैग किस तरीके से आप दे सकते हैं, क्या सारा उसका प्रॉपर मेथड होना चाहिए, उसमें कौन सी टिप्स जो है वो हम यूज करेंगे, ये सारे का सारा मेथड आज की वीडियो में देखेंगे। तो जी ब्रीरा बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन है प्रीवियस वाला तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वरना हम आज का काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। है कोई बात कल वाले टॉपिक में? चलें जी, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। अब बेटे, नेक्स्ट मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था आज बैठे हुए कि एसईओ बेसिकली है क्या, हम किस पर्पस के लिए जो है वो यूज करते हैं, और मैंने ये कोर्स स्टार्ट करवाया, क्या मेरा मकसद था कोर्स स्टार्ट करवाने का। तो ये चीजें मैंने स्टार्ट में भी बहुत हद तक आपको बताई, उसके बावजूद आज बैठे बैठे एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया कि एसईओ बेसिकली है क्या। ठीक है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो होगी के गूगल को उसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो डाटा देना ताकि आसानी हो, किसके लिए, क्रॉलर के लिए भी और यूजर के लिए भी। लेकिन सबसे जो पहली चीज है ना वो आसानी पैदा करनी है, किसके लिए, यूजर के लिए। अब बच्चे इसमें क्वेश्चन आ रहे थे, तो काम आप लोग सीख रहे हो क्या, ये एज इट फिक्स रहेगा, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्या फिक्स रहेंगी? नहीं, इसमें थोड़ी बहुत चेंज आती जाएगी। किसकी बेस पे चेंज आएगी? यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जैसे जैसे यूजर जो है वो रिक्वायरमेंट अपनी करता जाएगा, गूगल अपने एल्गोरिथम को यूजर के मुताबिक अपडेट करता जाएगा, और इसी का नाम एसईओ है। कि आप यूजर की रिक्वायरमेंट को पिक करें कि यूजर मांग क्या रहा है, यूजर किस तरीके से जो है वो इजी रहता है। जैसे यूजर इजी रहता है वैसे ही क्रॉलर इजी रहता है। यूजर को आपने समझना है, यूजर की समय लग गई तो क्रॉलर की ऑटोमेटिकली समय लग जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हेडिंग टैग में बेसिकली होता क्या है। इसमें कुछ टॉपिक्स भी आ जाते हैं कि जो आप टाइटल देते हैं क्या वो टाइटल और आपकी हेडिंग सेम होती है, और हेडिंग बेसिकली हम राइट किस जगह पे कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो पहले प्रैक्टिकली मैं इधर बता देता हूँ, फिर राइट करने के कुछ पैटर्न जो है वो इधर बता दूंगा, HTML टैग के तौर पे भी आज आपको कोड करके भी मैं बता दूंगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया जी व्हाट इज एसईओ, लिखा थी, लिखने के बाद मेरे पास जो है वो मल्टीपल ब्लॉग जो है वो शो होना शुरू हो गए। ठीक है, अब किसी का व्हाट इज एसईओ इसने लिखा, इसे ओपन करते हैं। ये बेसिकली जो आपको नजर आ रहा है ये क्या चीज है? टाइटल। ये क्या है? टाइटल है। इस पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जब हम नेक्स्ट बढ़े तो फिर जो वेबसाइट का पेज ओपन हुआ उस पेज पे ये जो चीज आपको शो हो रही है ये क्या है? आपकी हेडिंग है। अब इसमें और उसमें क्या है? इसने टाइटल और सब टाइटल दोनों, सॉरी टाइटल और सब टाइटल की आदत पड़ी है मुझे KDP से, तो ये आपका टाइटल है और उधर आपकी हेडिंग है, ये दोनों की दोनों सेम आ रही है। आप इसे सेम, वो सेम किस वजह से आ रही है, ये चीजें जब मैं टिप्स बताऊंगा ना आपको उसमें मैं सारी बातें बताऊंगा कि ये सेम जो है वो किस वजह से आ रही है। बेटे इनको आपने सेम नहीं रखना। टाइटल आपका बेसिकली लिखा जाता है हेडर में जाके, HTML जब कोड करते हैं टाइटल आपका हेडिंग पोर्शन में लिखा जाता है, सॉरी हेडर पोर्शन में लिखा जाता है, और आपकी जो हेडिंग है वो बॉडी पोर्शन में लिखी जाती है। सही है, ये बेसिकली जो राइट हो रहा है ये आपका हेडर पोर्शन में हो रहा है। कैसे करना है हम जो है, जरा HTML का कोड करता हूं मैं, थोड़ा सा नोटपैड हम ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद इस सारे काम को मैं रिमूव करता हूँ। HTML बच्चे स्टार्ट हुआ, मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ थोड़ी सी। HTML स्टार्ट हुआ, ठीक है, और साथ ही मैं जो है वो HTML को एंड कर देता हूँ। ठीक है, HTML एंड कर दिया। अब ये बेसिकली है क्या? ये वेब लैंग्वेज है, इसे स्टार्ट कर दिया। ये तीन पोर्शन में होती है, HTML पूरा आ गया, उसके बाद उसका हेडर पोर्शन, हेडर पोर्शन के बाद उसका बॉडी पोर्शन। तो ये बच्चे आपकी जो है वो इसके बाद हेडिंग आएगी। ठीक है, हेड मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, और फिर जो है हेडिंग को ही मैंने क्लोज कर दिया।
ठीक है, जो स्टार्ट करना है वो क्लोज भी करना है टैग, ये कर दिया जी। इसके बाद इसमें जाके टाइटल टैग जो है वो हम राइट कर देते हैं, ठीक है जी। ये टाइटल स्टार्ट किया और टाइटल ही मैंने जो है वो क्लोज कर दिया, ठीक है, ये चीज आ गई। अब बेटे ये तो आ गया हेडिंग वाला पोर्शन, और नीचे आपकी मेन बॉडी आ जाती है, ठीक है, बॉडी स्टार्ट और बॉडी ही एंड, ठीक है जी। अब मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि ये चीजें किस वजह से जो है वो मैं कोडिंग भी थोड़ी सी आपको बता रहा हूँ, इसका एडवांटेज क्या होगा। बेसिकली जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा जो टाइटल है वो हम इधर लिख रहे होते हैं, व्हाट इज एसईओ। ये प्रोफेशनल जो वेबसाइट कोडिंग से बनती है ना, उसकी सारी मेथडोलॉजी आपको बता रहा हूँ। मोस्टली जो वेबसाइट आपको नजर आती है वो वर्डप्रेस पे बनी आती है, उसमें किस जगह पे जाके जो है वो नुक्स होता है, एरर होता है, वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। ये आगे व्हाट इज एसईओ। उसके बाद जब हेडिंग की बात करें तो इसमें आ जाएगा जी H1, ठीक है, H1 हेडिंग आई, इसे मैंने स्टार्ट भी किया, इसे मैंने क्लोज भी कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो आप चीज लिखेंगे वो आपकी मेन हेडिंग में आएगी, वो आपकी मेन हेडिंग में आएगी। वो क्या चीज हो जाएगी बेटे, आप लिख दें जी व्हाट इज एसईओ, साथ में जो है हम कर देते हैं जी ब्रीफली, ठीक है, ये चीज मैंने कर दी, लिख दी, ठीक है। उसके बाद ये H1 आ गया, H1 के बाद ये बेसिकली चल रहे होते हैं बेटे H1 से लेके H6 तक, H1 से लेके A2 H6 तक जो है वो हमारे ये टैग चल रहे होते हैं, सही है। H1 से लेके A6 तक ये हमारे टैग चल रहे होते हैं, और इसका पैटर्न क्या होता है ये भी सारी बातें हम समझेंगे। अब बच्चे ये आपका H1 ऊपर मैंने लिख दिया, इधर क्या आएगा H2 आएगा, इसी को स्टार्ट, इधर मैं असमा लिखता हूँ, ठीक है, और आगे जो है इसी को H2 को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। फिर आगे जी H3, ठीक है, अली लिख दिया, और इसी को जो है वो H3 को मैं क्लोज कर देता हूँ। गलत 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 गलत, इससे जो है वो इधर लिखना है ये चीज। आगे बच्चे इसी तरीके से आपका H4 आएगा, H4 ही जो है वो हम एंड कर देंगे, इसे जो है वो मैं एक दफा कॉपी कर लेता हूँ Ctrl C, इसी को जो है वो मैं आगे जाके पेस्ट कर देता हूँ Ctrl V, ठीक है। अब इधर जो है वो H5 कर दे, ठीक है, इधर H जो है वो 5 आ गया, नीचे जो है वो H6 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर जो है वो मैं बरीरा लिख देता हूँ, और इधर जो है मुन्ना लिख दिया जी, ये चीज, ठीक है। ये मुन्नी लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया जी। कंट्रोल में एस करता हूं इसे, ठीक है, कंट्रोल एस करने के बाद ये जो फाइल होती है इसे हम .html में ही सेव करवाते हैं, ठीक है। अब ये जो है वो हमने टैग .html ही जो है वो सेव करवाएंगे, ये मैं सेव करवा रहा हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब इसका पैटर्न ये सारा जो है वो मैंने काम आपको क्यों बताया, इसका तरीका कार क्या होता है यूज करने का, वो सारी चीजें जो है वो हम देखेंगे। ये आ गया टैग वाला पोर्शन। अब इसे जो है वो आप लोग देखें कि ये देखें जी, ये व्हाट इज एसईओ आया, ये हमारी हेडिंग टैग में आ गई, ठीक है। उसके बाद H2 आया, वो उससे स्मॉल हेडिंग आ गई। उसके बाद अली H3 में आया, वो उससे स्मॉल हो गया। उसके बाद मुन्ना उससे इस्तेमाल हो गया, मुन्नी उससे इस्तेमाल हुआ, बरीरा उससे इस्तेमाल हुआ। बात करने का क्या मतलब हुआ कि H1 से H6 की तरफ क्यों मूव करवाया जा रहा है, जो आपके प्राइमरी कीवर्ड है H1 में रखे, H1 के बाद जो बाकी बचे H2 में रखे, जो बाकी बचे H3 में रखे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको इसमें जो है वो लेके आए। क्यों लेके आए, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है, आपका यूजर है, वो वाजह तौर पे इस चीज को देखेगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, और वाजह तौर पे उसे जब ओके होगा वो उस पे स्टे करेगा, जब स्टे करेगा तो क्रॉलर समझेगा कि लोग इससे मुतमिन हो रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो आपके काम को ही टॉप पे
शो करवाएगा। ठीक है, ये तो आपकी आ गई हेडिंग, और आपका जो दूसरा क्या नेम है टाइटल, वो किस जगह पे आया? हाँ देखो, जो मैंने हेडर में चीज लगाई थी वो टाइटल में आ गई। ठीक है, अब बच्चे जब आप पोस्ट करने लगते हैं ना, जब आप पोस्ट बनाते हैं ना, तो इसमें मैं जरा टिप्स की भी बात करता हूँ। टिप्स की जो है वो बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसी में जाके जो है वो हम बात करेंगे टिप्स की, ये H2 में। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं H1 जो है वो रख देता हूँ जी, हेडिंग टिप्स। ठीक है, यानी कि आप हेडिंग टैग जब यूज करेंगे, ठीक है, उसकी टिप्स क्या होंगी, तो इधर जो है वो मैं इसमें लिख देता हूँ H2 के अंदर। सबसे पहला पॉइंट कि आपने जो H1 यूज करना है वो H1 आपका टाइटल के साथ जो है वो मेल नहीं होना, टाइटल आपका अलग होना चाहिए और साथ में आपका जो हेडिंग टैग है वो अलग होना चाहिए। अब ऐसा भी ना हो कि वो टोटली अलग हो जाए, ठीक है, टाइटल वाला, और ये टोटली अलग हो जाए, क्रॉलर उसमें जो है वो डिफिकल्टी आ जाए उससे कि ये काम इसने किया किसमें है, वो किसी और कैटेगरी में आपको इंडेक्स कर दे तो फिर प्रॉब्लम। ठीक है, टाइटल और हेडिंग आपस में सेम होनी चाहिए, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज एसईओ है तो व्हाट इज एसईओ ही आपका हेडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेडिंग में जाके आपने एक दो और प्राइमरी कीवर्ड यूज कर लेने, बात समझ गए जी, एक दो और प्राइमरी कीवर्ड यूज कर लेने हैं जो कि आपके काम के साथ ही रिलेट करते होंगे। एक बात ये आ गई, उसके बाद जो आपका H1 है, H1 को एज अ हेडिंग का जो आपका कीवर्ड होगा उसे H1 टैग में ही राइट करेंगे, उसे H2 टैग में राइट नहीं करवाना, उसे H2 टैग में राइट नहीं करवाना। उसके बाद कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपका H1 है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक दफा मैंने ये हेडिंग टिप्स का H1 टैग दे दिया, दोबारा से जो मैं H2 कर रहा हूँ उसको भी H1 के अंदर ही लिखता रहा, ऐसा भी नहीं, ये काम भी आप लोगों ने नहीं करना, जैसे कि डुप्लीकेट H1, ठीक है, नहीं लगाने, डुप्लीकेट H1 नहीं होने चाहिए, ठीक है, नो डुप्लीकेट H1, नो नो डुप्लीकेट H1, H1 जो है वो आपने डुप्लीकेट नहीं करने। ठीक है, H2 आपका डुप्लीकेट हो सकता है, H2 को एज अ डुप्लीकेट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन H1 को आपने एज अ डुप्लीकेट के तौर पे यूज नहीं करना। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, जिससे आपकी वेब का स्ट्रक्चर अच्छा होता है। ये मैंने आउटपुट आपको दिखाई, उस आउटपुट में क्या था कि आपकी वेब का स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा था, जिसकी वजह से क्लाइंट आपके साथ से मुतमिन होगा। सही है जी, इसलिए आपने अपनी वेब का स्ट्रक्चर अच्छा करना है। ये सारा हमने डिटेल में स्ट्रक्चर बनाना भी सीखना है, ये तो तरीकाकार आपको टिप्स बता रहा हूँ ना कि किन चीजों को आपने अपने माइंड में बिठाना है, ये आपने काम किया। उसके बाद एक तो ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सर जो पहले आपने वेबसाइट ओपन करके दी थी उसका टाइटल भी सेम था, उसकी हेडिंग भी सेम थी, आ से आपका क्यों, ये क्यों, फिर उसका क्यों सेम था सर, वो तो टॉप पे भी आ रही थी, आप ये बात कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जब आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं तो हम लोग हैं कामचोर, कामचोरी में हम करते क्या है कि हमने योस्ट प्लगइन जो है वो यूज किया, योस्ट प्लगइन ने आपका टाइटल और आपका हेडर ऑटोमेटिकली सेम दे दिया, उधर जाके आपको अपना हेडिंग जो है वो चेंज करवाना पड़ती है, आप उसे चेंज करवाएंगे तो ओके है, वरना उसने डुप्लीकेट भी देगा, आपका टाइटल भी और आपका हेडिंग भी दोनों सेम रहेंगे। अब इधर ये भी बात नहीं आ जाती कि सर अगर हमने सेम लगा दिया तो ये मसला तो नहीं, ये मसला नहीं होगा कोई भी, एसईओ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये आप काम करें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट वाली बात हम करें कि जनाब अवॉइड लॉन्ग H1, ठीक है, यानी कि आपने अपनी H1 हेडिंग को जो है ज्यादा लेंथी राइट नहीं करना, ज्यादा लंबी ये ना, 3-4 लाइनों में आप अपना H1 हेडिंग जो है वो राइट कर दें, ऐसा भी नहीं करना। अब फिर बात आ जाती है आपके जहन की कि सर अगर इतना लंबी नहीं करना तो कितनी रखें, तो बच्चे आप क्या करें,
कि उससे जो है वो आप यूज कर सकते हैं कितने में, 20 करेक्टर से लेके 22-80 कर ले, ठीक है, इतने करेक्टर के बिटवीन आप अपनी हेडिंग जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मेरे बच्चे आप इन चीजों पे अपने काम को मद्देनजर रखेंगे ना, इनके मुताबिक आप अपना काम बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये इसे रिफ्रेश करते हैं, वो सारा काम आपका इधर आ जाए, ठीक है जी। आप इधर आ गया जी, ये सारे एक ही लाइन में जो है वो दे रहा है, ठीक है। नो डुप्लीकेट H1, अवॉइड H1, फिर 20-80, ये भी चीजें। तो इसे जो है वो अलग करने के लिए ब्रेक टैग यूज करते हैं, उसे आप यूज करेंगे PR, पता है ना तुझे? हाँ ठीक है। इसके बाद ये चीजें हैं, अब वेब वाला सारे लोग ही ये वाला काम वेबसाइट का कोडिंग का बहुत ज्यादा पड़ा है इंटरनेट पे, इसलिए मैं उसकी तरफ इतना ज्यादा जाता नहीं हूँ, ठीक है। ये करेंगे तो ये बेटे आपको दे देगा वो अलग अलग ना, ठीक है, ये चीज आप क्या, ठीक है। अब बच्चे इस वाली क्लास में अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि जब आप इस तरीके से अपने काम को राइट करेंगे ना सारे का सारा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्लाइंट है, यूजर है, वो आपके साथ अटैच होगा, सही है जी। हाँ जी, अलहदा करने के लिए ना, अगर नहीं लगाएंगे तो वो आपका पैराग्राफ टूटेगा नहीं, वो एक ही लाइन में पूरा हो जाएगा, जितना ब्राउजर पे ये वाला विंडो पे शो हो रहा है उससे आगे फिर वो खुद ही उसे लेके जाए, ठीक है। तो BR से जिधर आपने ब्रेक देनी है, तो वो BR टैग कभी जो है वो एंडिंग टैग नहीं होता BR, सही है, इस तरीके से। लेकिन ये हमारे पोर्शन का हिस्सा नहीं था SEO का, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये चीजें जो है वो यूज की, ताकि आपको कुछ HTML टैग भी जो है वो बेसिक टैग का भी जो है वो पता चल जाए, ठीक है जी। तो ये बच्चे आज का जो है वो हमारा लेक्चर था, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, वरना इंशाल्लाह कल जो है वो मिलेंगे, और मैं छोटा छोटा टॉपिक ही लेके आता हूँ, इस टॉपिक के साथ मैं अदर टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देता, तो फिर इंटरलिंक हो जाने थे, वो आपस में कंफ्यूजन आती, इसलिए एक सेपरेट सेपरेट टॉपिक जो है वो मैं करवा रहा होता हूँ, ठीक है बच्चे। बरीरा ओके है जी, जी सर, चलें ठीक हो गया बेटे। कोई कंफ्यूजन आए, किस जगह पे मसला हो, मुझसे बात पूछ लिया करनी है, चुप करके बैठे नहीं रहना, यस सर, ठीक है जी। ओके मेरे बच्चे, जी जजाक।